टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर जी एस पी स्कीम्स यानी जब आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी अशिया फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन को या किसी किसी मुल्क को जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है जैसे जर्मनी है जैसे फ्रांस है जैसे स्विट्जरलैंड है जैसे ऑस्ट्रिया है तो आ, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट्स एज वेल एज

तो अब देर इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन तो उस प्रोसीजर से गुजर के ये सर्टिफिकेट लेंगे और इस सर्टिफिकेट या फॉर्म ए की मौजूदगी में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंसेशनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं फॉर टैक्सेस फॉर्म ए नहीं है कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्लियर नहीं है तो फिर यकीनन आपको वो रियायती टैक्स जो है वो नहीं लगेगा और आपको वही टैक्स लगेगा वही कस्टम ड्यूटी लगेगी जो कि बाकी के से आने वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जा रहा है इसके अलावा बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल बिल ऑफ लैडिंग क्या है कि जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उसके उससे रिलेटेड जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए बताया जा रहा है कि माल कबील हु, वसूल हुआ और कौन सा वैसल है कौन सी शिपिंग कंपनी है कितना माल है और पैकिंग लिस्ट क्या है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है और मोस्ट ऑफ कोर्स इज द इन्वायस यानी उस ये जो कंसाइनमेंट है इसकी वैल्यू कितनी है इन के अंदर हम जानते हैं कि भेजने वाली कंपनी का नाम की इन्वाइस जो कि प्रिंटेड होती है उसमें उस कंपनी का नाम एड्रेस कॉन्टेक्ट लिखे होते हैं उस पे डेट होगी उस पे नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि क्या आइटम है और पर यूनिट कॉस्ट क्या है और उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ तो टोटल अमाउंट कितनी बनी तो इस इस हवाले से एक बिल और इनवाइस बनी होगी विच विल आल्सो गो अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स फॉर द फॉर क्लेमिंग ए कंसेशनल ट्रीटमेंट In the tariffs and the taxation structure of the country concerned, where we are exporting our products.